adjust the camera and अभी भी नहीं आ रही मैं. Hey guys, welcome back to my channel. और आज की वीडियो भी है हमारा फेवरेट अर्बेनिक हॉल जिसको आप सब बहुत पसंद करते हैं. तो इस वीडियो में भी मैं आपके लिए लाई हूँ अर्बेनिक के डिफरेंट आइटम और इस वीडियो में भी काफी अलग अलग और हटके हटके आइटम है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. लेकिन इससे पहले गाइज आप सभी को पता है कि मैं कितनी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ एक एप्लीकेशन शेयर करने वाली हूँ जिस पे आप हर ऑनलाइन शॉपिंग पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मनी सेव कर सकते हैं, आपको मिलेगा कुछ ना कुछ कैशबैक. तो है ना अमेजिंग. इसके लिए आपको अपनी सारी शॉपिंग पैसा वापस के थ्रू करनी है. तो पैसा वापस एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको पर ऑनलाइन शॉपिंग पे कुछ ना कुछ कैशबैक प्रोवाइड करती है और इस कैशबैक को आप अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हो. तो है ना धमाकेदार न्यूज. पैसा वापस के फेमस स्टोर है अर्बेनिक, आजियो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और इसके साथ साथ गाइज इस पे 1500 से भी प्लस वेबसाइट है जिसपे आप शॉपिंग करके कैशबैक कमा सकते हैं. और गाइज इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करने हैं. पहले तो आपको पैसा वापस ऐप डाउनलोड करनी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. दूसरा, आपको पैसा वापस एप्लीकेशन पे जाकर वेबसाइट सर्च करनी है जिस भी वेबसाइट से आप शॉपिंग करना चाहते हो और जैसे आप नॉर्मली शॉपिंग करते हो आपको वैसे शॉपिंग करनी है. इसके बाद गाइस जैसे ही आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है आपको पैसा वापस के वॉलेट में जाके आपका कैशबैक दिख जाएगा और इस कैशबैक को आप 40-60 डेज के अंदर अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और इसको आप वाउचर के फॉर्म में भी ले सकते हो. एंड गाइस अगर आप पैसा वापस के थ्रू अर्बेनिक से शॉपिंग करते हो तो आपको मिलेगा अप टू 8% का कैशबैक. है ना कितना इजी गाइस पैसा वापस के थ्रू शॉपिंग करना. तो जाइए और जल्दी से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपनी शॉपिंग को यादगार बनाइए. और अब हम अपना हॉल स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आइटम है गाइस वो है दिस वन. तो आप इसको देख के ही समझ गए होंगे मैं इसको पहन के आई हूँ एंड आई जस्ट लव इट. ये इतना क्यूट लग रहा है ना, मैं बहुत ही ज्यादा क्यूट और कम्फी आउटफिट है. तो मैंने इससे पहले वाले हॉल में बताया था बेसिक्स होना बहुत जरूरी है. बहुत सिंपल और वाइट टी है, इसको आप किसी के साथ भी पेयर कर सकते हो. जैसे मैंने अभी स्कर्ट के साथ पेयर किया है, आप इसको जींस के साथ, शॉर्ट्स के साथ, तो ये सबके साथ जाएगा और इससे आप काफी सारे लुक ट्राई कर सकते हो. समर टाइम चल रहा है तो समर टाइम में कुछ ब्रीदेबल मटेरियल होना चाहिए, तो इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट और ब्रीदेबल है. आई लव इट. गैस इसका प्राइस कितना होगा? तो इसका एक्चुअल प्राइस था 490 रुपीज, लेकिन अर्बेनिक पे काफी कूपन चलते रहते हैं तो इसका मुझे प्राइस पड़ा है जस्ट 305 रुपीज. 305 रुपीज में ये बहुत अच्छी डील है. एंड गाइस लेट्स चेक इट आउट आवर नेक्स्ट आइटम. लास्ट टाइम मैंने एक ही ड्रेस ऑर्डर की थी, इस बार मैंने 2 ड्रेस ऑर्डर किए हैं एंड एक ड्रेस मैंने सरप्राइजिंगली रखी है, उसको हम लास्ट में ओपन करेंगे. तो अभी हम पहले अपनी ड्रेस देखते हैं. तो फर्स्ट ड्रेस है दिस वन. ये इतनी प्यारी लग रही है ना, ये एकदम बहुत डिफरेंट सी ड्रेस लगी, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर लिया. एंड अब देखते हैं कि हमें क्या रिसीव हुआ है. दिस वन आई मीन बहुत अलग लग रही है ना, अभी पिक्चर में थोड़ा अलग था, तो पहन के देखते हैं पहन के देखने के बाद कैसी लगती है. बट एक चीज है, पिक्चर में देख के मुझे लगा था ये लेटेक्स होगा पर ये लेटेक्स नहीं है. इसका मटेरियल आपको पॉलिएस्टर का मिलेगा और फ्रंट पे ये सेटिन का कुछ बना हुआ है. तो अभी तो ये ड्रेस बहुत वियर्ड लग रहा है, तो जल्दी से इसको पहन के देखते हैं कि ये कैसी लग रही है. आर यू गाइस रेडी? थैंक यू. ओ माय गॉड, आई मीन यहां से ये नीचे गिरने का कोई चांस नहीं है, एकदम परफेक्ट है. जो एक प्रॉब्लम मुझे लग रही है वो आई थिंक मेरे अंदर लग रही है. आई मीन ये मेरी बॉडी पे ना थोड़ी लूज सी लग रही है. आई मीन अगर ये ऐसी हो तो मे बी जस्ट बिकॉज मेरा वेट अभी लूज हुआ है, जस्ट बिकॉज इस वजह से ये ड्रेस ऐसी लग रही है. अदरवाइज यार ये ड्रेस बहुत ज्यादा ही प्यारी है. आई मीन प्यारी नहीं है, बहुत सेक्सी ड्रेस है, मैक से ऐसी है. यार व्हाट यू गाइस थिंक, इट्स सो मतलब लाइक डिफरेंट, बड़ी अलग सी ड्रेस लग रही है एंड सेक्सी भी है ये ड्रेस. ब्लैक कलर बहुत अच्छा लग रहा है एंड यहाँ पे ये बहुत ज्यादा लाइक डिफरेंट लुक क्रिएट कर रहा है. बस यस, थोड़ा सा मुझे मेरी बॉडी पे शेप नहीं लग रही. अगर ये बिल्कुल ऐसे फुल्ली टाइट हो तो अच्छा है. इसका मटेरियल अच्छा है, इसका मटेरियल सी थ्रू नहीं है और यहाँ से ये जो इलास्टिक है ये लूज नहीं है. इसका प्राइस गाइज, इसका प्राइस कितना होगा? तो इसको मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में मंगाया है. इसका एक्चुअल प्राइस है गाइज 1090 रुपीज, पर ये ड्रेस मुझे जस्ट पड़े 678 रुपीज में. तो 678 में दिस ड्रेस इज bomb.com. दिस ड्रेस एक तो बहुत यूनिक सी है, बहुत फायरी ड्रेस है. गाइस अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम पे, तो वो है दिस वन. तो ऑब्वियसली एक ना एक इस टाइप का टॉप तो मैं डेफिनेटली मंगाऊंगी जस्ट बिकॉज ये टॉप जो है ये मल्टीपर्पसली मैं यूज करती हूँ इस वजह से. आई गाइस लेट्स चेक इट आउट कि मुझे क्या रिसीव हुआ है. वो है दिस वन. आई मीन ये वैसे ही है जैसा पिक्चर में दिखा रहा था. सच बताऊं जब मैंने इसको देखा ना, मैं इसको ओपन कर चुकी हूँ, जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा ये नॉर्मल टॉप दे दिया मुझे, वो कॉर्सेट वाला लग रहा था, ये कॉर्सेट वाला मुझे लगा नहीं था. लेकिन मैंने जैसे इसको ओपन किया तब मुझे पता चला कि यहाँ पे उन्होंने वायर लगाया हुआ है. एंड इसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी अच्छी है, थिक मटेरियल है एंड पीछे से इसमें हुक्स दिए हुए हैं और इसका मटेरियल भी काफी स्ट्रेचेबल है तो इजिली आपको आ जाना चाहिए. आई गाइस लेट्स चेक इट आउट कि मेरी बॉडी पे कैसा आता है. दिस इज हाउ इट्स लुक. एंड ये बहुत अलग और डिफरेंट सा लग रहा है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है. आई मीन दिस लुक सो डिफरेंट. एंड ये पीछे से कुछ ऐसा है, पीछे से हुक्स है
एंड फ्रंट से एक कुछ ऐसे स्टॉप के साथ आपको ब्रा पहननी पड़ेगी. ये थिक है पर इतना थिक नहीं है, यू नो, वो निप स्लिप ना हो जाए. तो आप ब्रा या स्टिकर या कुछ भी पहन सकते हैं. एंड आई लव दिस वन. ये बहुत ही प्यारा सा टॉप है और दिस कॉम्बो लुक सो डिफरेंट, सो क्यूट, आई लव इट. तो ये भी है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में. प्राइस है 539 रुपीज. मुझे इसकी नेकलाइन काफी ज्यादा पसंद आई, बहुत ही अलग सी नेकलाइन है. तो नेक्स्ट आइटम है दिस वन. एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत प्यारा सा ट्यूब टॉप लग रहा था तो मैंने इसको बाय कर लिया. अब लेट्स सी मुझे क्या रिसीव हुआ है. ये है ट्यूब टॉप एंड मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, क्या ये मुझे आएगा. आई थिंक ये मेरे लिए नहीं बना, पर लेट्स ट्राई इट आउट कि क्या ये मुझे फिट होगा. फैब्रिक बता देती हूँ, तो इसका फैब्रिक सी थ्रू नहीं है, बट यस यू नीड ब्रा, ये तभी थिक फैब्रिक नहीं है. एंड यस लुक सो क्यूट, बहुत प्यारा सा लग रहा है. लेट्स सी कि ये मुझे आता है या नहीं आता. गाइस ये वीडियो मैं दोबारा शूट कर रही हूँ जस्ट बिकॉज मैंने ये टॉप गलत दिखाया था अपनी पहली वाली वीडियो में. सो ये टॉप है कुछ इस टाइप का एंड इट्स लुक क्यूट. इतना बेकार नहीं लग रहा, मुझे पहले लग रहा था मुझे आएगा नहीं, पर ये मुझे आ चुका है. बट ये यहाँ से ये बहुत लूज सा लग रहा है मुझे, दैट्स ए. अदरवाइज ये बड़ा क्यूट सा टॉप लग रहा है. इसका जो मटेरियल है वो आपको पॉलिएस्टर का मिल जाएगा, मटेरियल सी थ्रू नहीं है. इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है, ये है जस्ट 305 रुपीज में. तो 305 में इट्स अ ग्रेट डील. इसको भी मैंने स्मॉल साइज में बाय किया है एंड या आई लव इट, इट्स क्यूट. ना ये टाई करने में बो बनानी नहीं आती तो मैं ऐसे ही आ गई, क्योंकि मैं बो बनाने की कोशिश कर रही हूँ और मुझसे अच्छे से हो नहीं पा रहा है. नेक्स्ट आइटम है वो है दिस वन. एंड गाइस ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ऑर्गेनिक से कुछ मंगाऊ और कुछ ब्लैक कलर का ना मंगाऊ. सो मैंने इस ब्लैक कलर के टॉप को ऑर्डर किया है. ये बहुत क्यूट लग रहा था मुझे तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई इट आउट. सो ये है वो टॉप एंड ये किसी बच्चे का टॉप लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट. ये बहुत क्यूट लग रहा है पीछे से देखो, पीछे से तो एकदम ही बच्चों वाली फीलिंग आ रही है मुझे. इसका मटेरियल भी गाइस सी थ्रू नहीं है, ये भी अच्छे से स्ट्रेचेबल है. इसकी जो स्टेप है उसमें आप एडजस्ट नहीं कर सकते, तो जैसी स्टेप है वैसी ही रहेंगी. एंड या मुझे ये बड़ा क्यूट सा लग रहा है, लेट्स सी कि ये मेरे ऊपर कैसा लगता है. हमारा टॉप ये बहुत क्यूट सा स्पेगेटी टॉप बोलूंगी मैं, काफी अच्छा लग रहा है. और इसके नीचे आपको ब्रा की जरूरत पड़ेगी. इसका मटेरियल इतना भी ठीक नहीं है कि आपको ब्रा की जरूरत ना पड़े. एंड बैक से ये कुछ ऐसा है एंड ओवरऑल इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा है. इट्स लुक क्यूट. इसका प्राइस बता देती हूँ, तो इसका प्राइस है 376 रुपीज और इसको मैंने स्मॉल साइज में बाय किया है. तो गाइस अब हम चलते हैं अपने फाइनल आइटम पे जिसको मैंने रखा हुआ था एकदम संभाल के. सो वो है दिस ड्रेस. तो ये ड्रेस कितनी मस्त लग रही है ना, और इसके काफी ज्यादा कलर भी अवेलेबल है, लेकिन मुझे ये आईसी ब्लू वाला ही पसंद आया. इसको मैंने खोला नहीं है तो मैं इसको ना आप सबके सामने खोलने वाली हूँ. एंड यार लेट्स सी कि ये कैसी होगी. और ये ऑर्गेनिक की ओरिजिनल पैकेजिंग है, मुझे इतने अच्छे से पैक करना नहीं आता. एंड यार आई रियली लव द कलर, लुकिंग द कलर इज सो प्रीटी. बिल्कुल कुछ ऐसा दिख रहा है. एंड यार ये इतना नीचे तो क्या, मेरे तो कैमरे में भी नहीं आएगा. काफी ज्यादा लाइक लाइट के साथ ये रिफ्लेक्ट कर रहा है. यार ये मर्मेड की तरह लग रहा है मुझे काफी ज्यादा. आई मीन यू कैन सी द टेल, ये मर्मेड टेल है. होप ये मुझे फिट हो. इसको भी मैंने स्मॉल साइज में ऑर्डर किया है. इसका जो मटेरियल है गाइज वो डबल लेयरिंग में है, फ्रंट से अलग है और अंदर से अलग लेयरिंग है. बट ये ड्रेस ना जहां जाएगी वहां पे आप देख सकते हो थोड़ी स्पार्कल्स लग जाएंगे. तो मॉडल पे बहुत अच्छी लग रही है और मेरे ऊपर कैसी लगेगी. एंड ये थोड़ी एक्सपेंसिव है तो इसको पहन के दिखाती हूँ. गाइस रेडी है मेरे ऊपर कैसा लगने वाला है. आई मीन किसी को पसंद आ रहा है और किसी को नहीं पसंद आ रहा. तो मुझे सच बताऊं, जब मैं इसे पहन रही थी मुझे पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन पहनने के बाद मुझे पसंद भी आ रहा है. साइड में देख सकते हो कम्प्लीटली कुछ ऐसा दिख रहा है. आई मीन इसमें टेल है, काफी लंबी टेल है जैसा कि फोटो में दिखाया. लेकिन यस मेरी बॉडी स्ट्रक्चर वैसा नहीं है, तो बॉडी में बहुत डिफरेंट दिख रहा था और मेरी बॉडी पे थोड़ा अलग दिख रहा है. तो जिसका बॉडी स्ट्रक्चर मेरी तरह है तो उसकी बॉडी पे गाउन कुछ ऐसे दिखने वाला है. एंड गाइस ऑनेस्टली मुझे ना मिक्स फीलिंग हो रही है. मुझे पसंद भी आ रहा है और मुझे पसंद भी नहीं आ रहा है. इसका मटेरियल अच्छा है, इसमें टू लेयरिंग है, ऊपर का मटेरियल अलग है. जैसे कि ये शिमरी है और आपने मेरे बहुत सीक्वेंस के साथ देखे होंगे, मुझे पसंद नहीं आ रहा. पर ये चुभने वाला नहीं है. बट यस इसमें से थोड़ा इसमें शिमर ट्रांसफर होता है जाती. उसका प्राइस है 1600 समथिंग रुपीज. तो मैं इसको मेंशन कर दूंगी. तो मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल में बाय किया. ये बैकलेस है ऐसे, बस यहाँ से थोड़ा सा ऐसे टाइट होता ना तो ज्यादा अलग सा दिखता. आई डोंट नो मे बी यार यू कैन सी. मुझे पसंद आ रहा है. मुझे रेड कार्पेट वाली फीलिंग आ रही है कि अभी मैं बस किसी अवार्ड को लेने जा रही हूँ. एंड ये है मेरा अवार्ड. मेड ड्रेस है बाय द वे. क्यूट लग रही है मुझे, अलग लग रही है मुझे, सेक्सी लग रही है. What do you guys think? ये मेरी बॉडी पे कैसी लग रही है. Yeah guys, that's it for this video. Hope you guys like it. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो. एंड या तो यही था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा हॉल. एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. लेकिन उससे पहले गाइज पैसे वापस ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लेना. एंड या गाइज बाबा एंड टेक केयर. एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. एंड या गाइज बाबा एंड टेक केयर.